अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक लेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर शिल्पा क्रोशेट थ्रेड लिए हैं, रेड एंड ग्रीन, ये दो कॉम्बिनेशन मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। और नीडल ली है 7 नंबर 0.95 mm की। इसे अगर आप ये थ्रेड बाय करना चाहते हैं तो इस पर मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और शिल्पा क्रोशेट थ्रेड की इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर बेस बना लिया है, टू चेन अटैच करते हुए मैंने ये बेस बनाया है। अगर आपको ये बेस बनाना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, वो चेक कर लेना। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि आपको ये कैसे बेस बनाना है। अब आगे की डिज़ाइन के लिए पहले हम ग्रीन कलर का थ्रेड लेंगे, फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट ले लेंगे, नीडल की नेप हमें अपनी तरफ पकड़नी है, इस तरीके से राउंड लेकर स्लिप नट लेना है। स्लिप नट लेने के बाद ये जो हमने बेस बनाया है, इसके फर्स्ट गैप में जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, फ्रंट साइड से ही हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, इसके फर्स्ट गैप में हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अटैच करने के बाद हमें लेनी है 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 चेन लेने के बाद नीडल पर हम 2 टाइम्स धागा फोल्ड करेंगे। अब 2 गैप छोड़ देंगे और 3rd गैप में हम नीडल डालेंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे। पहले हम 1 धागे में से बाहर आ जाएंगे, नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और 1 धागे में से हम बाहर आ जाएंगे। फिर हम 2 धागों में से बाहर आएंगे, फिर से हमें नीडल पर धागा फोल्ड करना है और 2 धागों में से बाहर आना है। अब फिर हम 2 धागों में से बाहर आ जाएंगे एंड लास्ट में हम फिर से 2 धागों में से बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से हमें वी बना लेना है। अब हम लेंगे 2 चेन, 1, 2। 2 चेन लेने के बाद जो हमने ये क्रॉस में ट्रिपल क्रोचेट बनाया है, इस पर हम डबल क्रोचेट लेते जाएंगे। 2 चेन लेकर डबल क्रोचेट बनाते जाना है हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये लास्ट 10। 10 टाइम्स, 10 बार हमें इस तरीके से डबल क्रोचेट लेते हुए ये लाइन कंप्लीट करनी है। फिर हम नेक्स्ट गैप में अटैच कर लेंगे। इस तरीके से तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट गैप में अटैच करने के बाद हम लेंगे 4 चेन, 1, 2, 3, 4। 4 चेन लेने के बाद सिंपली हम नेक्स्ट गैप में अटैच कर लेंगे। ये जो हमने 4 चेन का यहाँ पर राउंड बनाया है, ये हमें आगे काम आएगा। अब हम सेम यही डिज़ाइन यहाँ पर फॉलो करेंगे। फिर से हमें लेना है 5 चेन। 5 चेन लेने के बाद नीडल पर 2 टाइम्स धागा फोल्ड करेंगे, 2 गैप छोड़ेंगे, 3rd गैप में इसी तरीके से धागा लेते हुए बाहर आ जाएंगे। पहले हमें 1 धागे में से बाहर आना है, फिर 2 धागों में से बाहर आना है, फिर 2 धागों में से बाहर आना है एंड फिर से 2 धागों में से बाहर आ जाना है इस तरीके से। फिर से हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद ये जो हमने क्रॉस में ट्रिपल क्रोचेट बनाया है, इस पर हम 10 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेंगे। सेम यही डिज़ाइन हम फॉलो करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, ये 8, 9 एंड 10, इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट गैप में अटैच कर लेंगे, ये जो नेक्स्ट गैप है यहाँ पर 2 चेन का, उसमें हम अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट गैप में अटैच कर लेंगे, ये राउंड एक बना लेंगे यहाँ पर। अब सेम यही डिज़ाइन हम आगे फॉलो करेंगे। मैं एक आपको बनाकर बताती हूँ, फिर हम कंप्लीट करके लाइन आपको बताएंगे। पहले 5 चेन ले लेंगे, 2 टाइम्स नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, 2 गैप छोड़ेंगे, 3rd गैप में धागा लेते हुए बाहर आएंगे। पहले एक धागे में से हमें बाहर आना है, फिर 2 धागों में से, फिर 2 धागों में से एंड फिर से 2 धागों में से बाहर आ जाना है। फिर हम 2 चेन लेंगे और क्रॉस में जो हमने ट्रिपल क्रोचेट बनाया है इस पर हम 10 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नेक्स्ट गैप में हम अटैच कर लेंगे, फिर हम लेंगे 4 चेन एंड नेक्स्ट गैप में अटैच कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। जितनी आप लेस की लेंथ बना रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आप कंटिन्यू फॉलो करें एंड फिर मैं आपको आगे की डिज़ाइन बताती हूँ। देखिए गाइस, मैंने यहाँ तक इसे बना लिया है, मैं सैम्पल पीस बना रही हूँ। आप इसी तरीके से पूरी लाइन कंप्लीट करें और ये इसका फर्स्ट स्टेप है। मैं 2 पार्ट में ये वीडियो डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने इसे इसलिए रखा है क्योंकि ये सिर्फ ऐसे ही बहुत प्यारी लग रही है, तो अगर आप सिर्फ यही डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, ये बहुत प्यारा लुक दे रही है। सो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की डिज़ाइन के साथ। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।